Hello everyone, so I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. As you already know that ki hum log bahut sara jo summaries hai like 5th class ka jo EVS ka summary hai wo hum kafi zyada acche se kar rahe the, jisme hamare 13th chapter complete ho chuke the. Jo last chapter humne kiya tha wo tha Shelter So High, jisme humne Gaurav Jani ka jo traveling account tha basically wo humne padha tha, and uska humne EVS ka summary dekh liya, wahan se banne wale jo questions the humne wo bhi देख लिए. तो आज करियर ग्लो जो है वो आपके लिए 14th चैप्टर को लेकर आया है, जो है व्हेन द अर्थ शूक, यानी कि जब अर्थ थर थरा के कांप उठती है तो उसको कहते हैं द अर्थ शूक. यानी कि इसके अंदर हम लोग भुज में जो अर्थ को एक आया था उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ी थी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं. सो व्हेन द अर्थ शूक, सो दिस चैप्टर जो कि 14 चैप्टर है, दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक जो है जब वो आता है तो कितनी ज़्यादा तबाही मचाता है, और उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं. तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक था वो कच्छ रीजन में आया था, विच इज़ इन गुजरात. सो कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, देयर केम एन अर्थक्वेक. तो वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया, एंड इट वॉज ऑन 26 जनवरी 2001 भुज में. सो भुज में अर्थक्वेक आया था, एंड जो कि 26 जनवरी 2001 में आया. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि उस टाइम पर ये वाला अर्थक्वेक जो था वो कब आया था, तो वो डेट थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा यहाँ पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था कि मैनी पीपल हेल्प सच टाइम्स, मतलब मैनी पीपल हेल्प एट सच टाइम्स, मतलब कि क्या मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे कुछ अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, तो क्या लोग हेल्प करने आते हैं? तो बिल्कुल, लोग ज़रूर हेल्प करने आते हैं, एंड मैनी पीपल हेल्प एट सच टाइम्स, बहुत सारे लोग उस टाइम पर हेल्प करते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, जैसे नेबर्स हेल्प ईच अदर, पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पीपल फ्राम बिगर सिटीज़ कम टू हेल्प, जो बड़े बड़े शहरों से लोग होते हैं वो आते हैं, एंड लोकल जो लीडर्स होते हैं, जैसे सरपंच अगर गांव है तो सरपंच वगैरह में ये लोग हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स नेता ये लोग भी हेल्प करते हैं, वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो ऐसे कोऑपरेटिव चल रही हैं वो हेल्प करती हैं, डॉक्टर्स नर्सेज ऑफ द नियर बाई हॉस्पिटल वो हेल्प करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं ऐसे सिचुएशंस में, जो भी सामान होता है, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो भी दे देते हैं. सो मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि ए बी सी डी में से क्या मतलब लोग जो होते हैं आपके आसपास के, क्या वो हेल्प करने आते हैं ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में? तो बिल्कुल आते हैं, और कौन कौन आ सकता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं. इसके अलावा दे केम विथ फूड, ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं सब कुछ ख़त्म हो जाता है लाइक दिस. ये वाला जो फ़ोटो है ये भुज का ही फ़ोटो है, एंड यही है इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं. तो उसमें यही था कि इस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी गिर जाती हैं, और मतलब पक्की से पक्की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं. तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, एंड तो यहाँ पर सब कुछ कुछ भी खाने वगैरह के लिए तो नहीं है, तो लोग जो होते हैं वो आते हैं, किसके साथ हेल्प भी करते हैं, एंड साथ में दे केम विथ फूड, खाना लेकर आते हैं, मेडिसिन लेकर आते हैं, क्लोथ्स लेकर आते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं या वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं वो भी आते हैं. द साइंटिस्ट वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई, मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक एरिया था, मतलब यहाँ पर जो भी मतलब जिस भी जगह पे अर्थक्वेक आया था, तो साइंटिस्ट ऐसा कोशिश करते हैं कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से जो जोन्स हैं, कौन से जो एरियाज़ हैं वो अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है. सो द साइंटिस्ट वांटेड टू आइडेंटिफाई एरियाज़ विच वर मोर प्रोन टू गेटिंग अर्थक्वेक्स. तो पहले तो वो ये छान करने की, मतलब ये छानबीन करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वो एरियाज़ जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ सकता है. तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 5 जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, जिसमें एक हाईली एक्सट्रीम लेवल पर है, फिर एक थोड़ा सा कम लेवल पे, फिर और मीडियम लेवल पे, फिर एंड लो लेवल पे, ऐसे करके कुछ 5 जोन्स में इंडिया को बांटा है, मतलब अर्थक्वेक के 5 जोन्स में इंडिया को बांटा है. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बिल्ड हाउसेज विच वुड नॉट हैव बीन डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. और जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये भी कोशिश करते हैं कि वो ऐसे घर बनाएं जो डैमेज जिनको ना पहुंचे, मतलब अर्थक्वेक अगर आ जाए तो इतना डैमेज ना हो. जैसे साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो मोस्टली घर जो है वो कॉन्क्रीट से बनाए गए हैं, वो सीमेंट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल मतलब करते तो हैं,
लेकिन वहाँ पे कंक्रीट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो अर्थक्वेक था वो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक था वो कहाँ पर आया था, तो कच्छ एरिया में आया था गुजरात के, एंड 26 जनवरी 2001 में आया था। इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्प होती है, जो लोग होते हैं वो फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स के साथ आते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज भी बहुत हेल्प करती हैं, वॉलंटरी ग्रुप्स भी आते हैं, एंड साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से जोन जो है अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, और जिस भी जगह पर अर्थक्वेक आता है वहाँ से लोगों को पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए या इन एरियाज़ में आप कुछ भी काम मत कीजिए, एंड इसके अलावा यहाँ पर घर मत बनाइए। तो ये सब वो हेल्प करते हैं, और ये भी हेल्प करते हैं कि घर कैसे होने चाहिए सो दैट अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो उतना डैमेज ना हो। देन उसके बाद अबाउट व्हाट ऑल कैन बी डन इफ़ देयर इज़ अ वार्निंग अबाउट सच डिज़ास्टर। अब अगर ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं, मतलब अगर मान लो अर्थक्वेक आ भी जाए या ऐसा कुछ डिज़ास्टर आ भी जाए, तो आप क्या कर सकते हो? सो अबाउट व्हाट ऑल कैन बी डन, क्या हम कर सकते हैं इफ़ देर इज़ अ वार्निंग, अगर ऐसी वार्निंग हो ऐसे डिज़ास्टर्स के लिए? सो वी कैन प्रैक्टिस मॉक ड्रिल्स, हम मॉक ड्रिल्स करवा सकते हैं। मॉक ड्रिल इज़ अ प्रैक्टिस विच क्या करती है कि बच्चों को ना ये बताती है कि अगर ऐसे सिचुएशन हो जाए तो आपने क्या करना है। सो इसके अलावा और भी चीज़ें करी जा सकती है, जैसे कि इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस, घर छोड़ दो, एंड किसी मतलब अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो घर को छोड़ के हमें ओपन ग्राउंड में जाना चाहिए। एंड इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर हम घर से बाहर नहीं जा सकते, देन लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग, कोई टेबल के नीचे आप छुप सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो टाइटली, सो दैट इट डज़ नॉट स्लिप अवे, कि वो स्लिप अवे ना हो। इससे हम क्या है कि जो वो है जो इंजरी है उससे बच सकते हैं। एंड वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो शेकिंग है वो स्टॉप ना हो जाए। And at times like this, when people have lost their homes, मतलब जब ऐसी situation में जब लोगों के घर वगैरह ये सारी चीज़ें उजड़ जाती हैं, उनके belongings उनसे हट जाते हैं या मतलब ख़त्म हो जाते हैं, या उनके belongings आप कह लो कि धराशायी हो जाते हैं या मिलते नहीं हैं, ख़राब हो जाता है सब कुछ, what kind of help would they need, उन्हें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? So at such times people would need following help, जैसे टेंट बनाने के लिए, canvas to prepare huts, एंड क्लोथ्स, फूड, वाटर, मिल्क, मेडिसिंस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, एंड ये भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर कुछ हंगर के बारे में है, मतलब एक चीज़ तो हमने पढ़ लिया जो कि था अर्थक्वेक के बारे में। अब एक और डिज़ास्टर है जो कि है फ्लड एंड ड्रॉट। तो फ्लड एंड ड्रॉट को भी समझना है कि फ्लड का मतलब होता है जैसे पानी ने अपना मतलब रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो कुछ गाँव बह गए फ्लड में, बाढ़ आ गई, या फिर किसी जगह पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गई, तो ये दोनों भी एक डिज़ास्टर हैं। इफ़ देर इज़ नो रेन, अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, एंड देयर कैन बी ड्रॉट, तो वहाँ पे सूखा पड़ सकता है। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट, लेकिन तब भी लोगों के लिए खाना आ सकता है नियर बाई या अदर प्लेसेस से, बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देर इज़ नो फेमाइन, अकाल ना पड़े। फेमाइन मीन्स अकाल, अकाल ना पड़े, तो इसलिए यहाँ पर खाना लोगों को पहुँचा दिया जाता है, विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री, उनको मतलब भूखे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड जो हेल्प है वो जल्दी से अराइव हो जाएगी, एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर, वो हंगर से नहीं मरेंगे इनकेस अगर सूखा वगैरह पड़ता है तो। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है कि सब कुछ वाइब्रेट होगा, सारी चीज़ें ये सारे देख सकते हैं, स्कूल जो पेड़ हैं वो गिर जाएंगे, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हमारा नुकसान पहुँच सकता है, एंड ये सारी चीज़ें हैं, और ये हम कर सकते हैं अगर हम घर में हैं तो। इसके अलावा देन व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड, सो ये भी एक डिज़ास्टर ही है, एंड इसको भी स्किप किया जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। सो देखते हैं इस पर कुछ आ सकता है या नहीं। सो व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड, अगर फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लोगों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? सो फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड, सबसे पहली चीज़, मैनी पीपल लॉस देयर नियर एंड डियर वंस, जो अपने पास के लोग होते हैं, नियर एंड डियर वंस होते हैं, अपने प्रिय जो लोग होते हैं वो उनको हम खो देते हैं। मैनी पीपल्स गेट इंजर्ड, इंजरी भी होती है, एंड देर इज़ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी जो होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, सब कुछ
ख़त्म हो जाता है। क्रॉप्स एंड हाउसेज जो हैं, घर हैं या जो क्रॉप्स हैं, मतलब जो फसलें हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल डाइज, बहुत सारे जो हमारे मवेशी होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, दूध देने वाले जानवर जो होते हैं, लाइक काऊ है और बफेलो है, गोट है, शीप है, मतलब ये जो भी जिनसे हमें वुल वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, ये भी मर जाते हैं। एंड एक्यूट मतलब शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की, पीने की पानी की कमी हो जाती है। रोड एंड रेल के नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और कई सारे, अगर फ्लड आ जाता है तो कई सारे वाटर ब्रोन डिजीजेज हो जाते हैं, मतलब पानी से होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये तो था कि फ्लड अगर आ जाए तो फिर आप क्या, मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज आप फेस करोगे। लेकिन इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लिखा है कि इसके बाद क्या होगा, मतलब जैसे स्कूल्स अगर हैं, अगर हमें पढ़ाना है बच्चों को, इन सब चीज़ों के बाद ये सारी चीज़ें हो गई, फ्लड आ गया, ये सारा प्रॉब्लम्स हमने फेस कर लिया, उसके बाद क्या? तो उसके बाद पोस्ट, जैसे हम कहते हैं कि फ्लड के आने के बाद का जो टाइम है तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है। तो यहाँ पे आफ्टर फ्लड चिल्ड्रंस आर फोर्स टू स्टडी इन मेकशिफ्ट स्कूल। मेकशिफ्ट स्कूल मतलब जो अभी बनाया स्कूल है, जैसे कि किसी पेड़ के नीचे एक ब्लैक बोर्ड लगा के पढ़ाना, मेकशिफ्ट स्कूल्स कहते हैं उनको, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। पीपल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल, अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। क्लीनिंग द हाउस एंड सबमर्ज गुड्स, मतलब जो गुड्स, जो चीज़ें हैं जो डूब चुकी हैं तो उनको निकालना, इज़ द फर्स्ट मेजर टास्क आफ्टर द फ्लड वाटर रिसीड्स, मतलब जब फ्लड का जो पानी है वो आ जाता है तो घर क्लीन करना पड़ता है, एंड उसके बाद जो चीज़ें आपकी डूब चुकी हैं, सबमर्ज हो चुकी हैं, उनको निकालना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है। मैनी पीपल मे हैव टू स्टार्ट ऑल टुगेदर न्यू ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए कोई नया ही ऑक्यूपेशन देखना पड़ता है, वो सब कुछ तो डैमेज हो गया। पीपल हैव टू रीबिल्ड देयर हाउसेस, घर दोबारा से बनाने पड़ते हैं, और ये चीज़ अर्थक्वेक पे भी लागू होती है कि जब अर्थक्वेक आता है तो भी घर अगर आपके बर्बाद हो जाएँ, डिस्ट्रॉय हो जाएँ, तो फिर से बनाना पड़ता है। एंड दे हैव टू अरेंज फॉर सेफर ड्रिंकिंग वाटर, एंड सेफर ड्रिंकिंग वाटर भी अरेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कोशिश करती है ज़्यादा से जल्दी से जल्दी, लाइक गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी जो हेल्प है वो कर दी जाए, एंड बहुत सारे रिलीफ पैकेज देती है वो गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट हैज़ रिस्टोर द रेल एंड रोड नेटवर्क एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट रेल एंड रोड नेटवर्क्स को सही करती है। एंड अब हमारा नेबरहुड होने का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब पड़ोस, आस पड़ोस होने का क्या इंपॉर्टेंस है? सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स लाइक डेली इंटरेक्शन, हम मिलेंगे जुलेंगे किन से, वेडिंग्स के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, तो कोई होना चाहिए हमारे आसपास में, तो नेबरहुड इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड आपकी हेल्प भी करता है। तो एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि अर्थक्विक जब आता है तो बहुत तहस नहस, यानी कि बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है, और 26 जनवरी 2001 भुज में अर्थक्विक आया था, विच इज़ इन गुजरात, एंड जो हमारे आसपास के नेबर्स होते हैं वो भी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, शहरों से लोग आ जाते हैं, लोकल लीडर्स हमारी हेल्प करते हैं, देन पॉलिटिकल लीडर्स हमारी हेल्प करते हैं, बहुत सारी वेरियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डॉक्टर और ये सारे लोग हेल्प करते हैं, फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स के साथ आते हैं। एंड इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो हेल्प करते हैं, ये बताते हैं कि आपको कैसे घर रखने चाहिए सो दैट अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एंड अगर ऐसे सच डिज़ास्टर्स आते भी हैं तो प्रैक्टिस मॉक ड्रिल्स कर लो, एंड अगर अर्थक्वेक से अगर आपको मतलब अगर आ जाता है अर्थक्वेक तो फिर इतना होना चाहिए कि आप घर को लीव कर दो, किसी ओपन ग्राउंड में चले जाओ, एंड अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो फिर किसी स्ट्रॉन्ग टेबल को पकड़ लो और होल्ड करो उसे टाइटली ताकि वो स्लिप ना हो जाए, एंड ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा जो पीपल्स के घर चले गए हैं, बिलोंगिंग्स चली गई हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को उन्होंने खो दिया है, तो ऐसे में जो लोग आगे आते हैं हेल्प करने के लिए तो वो क्लोथ्स, फूड, वाटर, मिल्क, मेडिसिन के हिसाब से हेल्प कर सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें दे सकते हैं, टेंट्स बनवा सकते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट के फॉर अ टाइम बीइंग उनको रहने के लिए कुछ चीज़ जगह दे सकते हैं। और ड्रॉट अगर पड़ जाता है तो रेन नहीं होती, क्रॉप फेल हो जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, लेकिन बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस, लेकिन खाना उनको पहुँचाया जा सकता है सो दैट वो हंगर से ना मरे। एंड ये सारी चीज़ें हमने फ़ोटोज़ देख ली थी। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग फेस करते हैं फ्लड के टाइम पे, एंड उसके बाद की उनकी ज़िंदगी, यानी कि पोस्ट डिज़ास्टर, इसको हम कहते हैं पोस्ट डिज़ास्टर, यानी कि डिज़ास्टर आने के बाद क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेकशिफ्ट बनाए वाले जो स्कूल्स होते हैं उसमें रहना पड़ता है, मतलब उसमें पढ़ना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें दोबारा से शुरू करनी पड़ती है।
इसके अलावा यहाँ पर है कि गवर्नमेंट ने रेल और रोड के नेटवर्क्स को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की कोशिश करती है ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, एंड नेबरहुड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और लास्टली ये है, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि क्या करना चाहिए जब भी कोई डिज़ास्टर आए तो या अर्थक्वेक आए तो। सबसे पहले तो नीचे झुक जाना चाहिए टेबल को, अपने आप को अच्छे से कवर करना चाहिए एंड टेबल को पकड़ लेना चाहिए, टेबल को पकड़ा ही हुआ है, काम डाउन और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि ये क्या हो गया। सो पैनिक नहीं करना है कि मतलब जैसे हो जाता ना इतना उथल पुथल मच जाता है, वो सब नहीं। एंड इसके अलावा स्टे अवे फ्रॉम फर्नीचर, विंडोज़ एंड जो लैम्प्स हैं उनसे आप दूर हटो, बाहर आ जाओ किसी ग्राउंड में, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो किसी सेफ़ प्लेस पर जाओ और अपने व्हीकल के अंदर रहो। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा लास्टली अहमदाबाद जनवरी 26, 2001, यहाँ पर मतलब जो ये वही भूकंप के बारे में है, ये वो अर्थक्वेक के बारे में है जो भुज में आया था। तो यहाँ लिखा है एटलीस्ट 1,000 पीपल आर फियर्ड डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग। तो जब आया था ये अर्थक्वेक तो सब लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग को इंजरी हुई थी, कुछ लोग तो डेड हो गए थे मतलब मर चुके थे। मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड, काफ़ी को चोट आई थी। आर्मी के जो जवान्स थे वो हेल्प करने के लिए अराइव हुए, वो हेल्प करने के लिए आए। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, 500 बिल्डिंग्स एंड 150 कुछ बिल्डिंग्स जो थी वो गिर गई थी। इन दीज देयर आर डजन्स एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे ये है ये मल्टीपल स्टोर बिल्डिंग्स है। मतलब मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग का मतलब होता है कि जिसमें कई सारे मंजिलें हों, तो वो अलग अलग मंजिल जो थी वो भी गिर गई थी मतलब ढह गई थी। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स, और 250 बॉडीज़ यानी कि जो डेड पीपल थे उनको रिमूव किया गया। इट इज़ फियर दैट सेवरल थाउजेंड पीपल मे स्टिल बी ट्रैप, कुछ ट्रैप थे, कुछ अलाइव थे, उनको चोट लग गई थी, बेहोश हो गए थे, ऐसी भी न्यूज़ आई थी। रेस्क्यू जो एफर्ट्स हैं वो चल रहे थे, मतलब रेस्क्यू मिशन चल रहा था कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को बचाना है। देर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप क्रैक्स। ऐसी कोई सिटी नहीं थी, मतलब ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी सिटी की जिसमें क्रैक्स नहीं आए हों, ऐसे जो ज़िगज़ैग क्रैक्स होते हैं वो आ गए थे। और जो भुज में सिचुएशन थी वो ज़्यादा वर्स थी, मतलब बहुत लार्जर एरिया को कवर करा था ये जो अर्थक्वेक है। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, सब शॉक और पैनिक में थे, मतलब इधर उधर भाग रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमें काम डाउन होना चाहिए जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है। तो विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक द फायर इंजन्स हैड रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे ही अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमारे जो लोग होते हैं कुछ वो एक्टिव हो जाते हैं, अब चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे वो आर्मी पर्सोनल्स हों, चाहे वो मतलब कोई भी हो। तो वैसे ही फायर इंजन्स आ गए इस प्लेस पे, लोकल पीपल के साथ काम करने लगे। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, मतलब बाहर से भी हेल्प आने लगी और अपने कंट्री से भी जो लोग हैं वो हेल्प करने लगे, चाहे वो क्लोथ्स के, मेडिसन्स के। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी थी जिसमें ये था कि जब अर्थक्वेक आया था तो उनको कुछ ऐसे कपड़े दिए गए जो उन्होंने पहले कभी पहने नहीं थे। तो मतलब एक गाँव के जगह की बात हो रही है, ऐसे कपड़े आए जो उन्होंने कभी पहने नहीं थे, एंड जो लोग इंजर्ड थे उनको थोड़ा ठीक ठाक किया गया, मतलब उनको पट्टी वगैरह लगाई गई एंड उनको डॉक्टर्स एंड नर्सेज ने काफ़ी हेल्प किया। सो दिस वॉज द चैप्टर, तो यही वो चैप्टर था जो है व्हेन अर्थ शूक, जब अर्थ पे अर्थक्वेक आता है। तो यही वो चैप्टर्स था, इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने नोट भी किया है और पिक्चर्स के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें समझी हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसमें इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है, और नेबरहुड का क्या विशेषता है, नेबरहुड किस लिए काम आता है, तो डेली इंटरेक्शन, वेडिंग एंड डेथ के टाइम पे ये लोग हमारी हेल्प करते हैं या काम आता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ऑलरेडी मतलब 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप अच्छे से इसके नोट्स वगैरह बनाइए और आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, एंड मैं मतलब होप करूँगी कि आप लोग का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड हो सकता है कि मेरी भी आपको कभी जो ये वीडियोज़ हैं वो आपको हेल्पफुल लग रही हो, तो आप ज़रूर मुझे रिप्लाई करना। सो थैंक यू सो मच।